ठीक है, ये सिंगल हैंड भी होता है ना भैया जी? सिंगल हैंड भी होता है, डबल हैंड ऐसे। अच्छा, ये 5 किलो का मतलब 500 रुपये के आसपास पड़ेगा। एक ऐसी जगह लेके आ गया जहाँ आपको जिम के सामान मिल जाता है बहुत ही सस्ते रेटों पे। अच्छा पटक के देखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भाई साहब मैंने फेंक दिया, जोर से पटकू। अच्छा ये गिर दिया, 20 रुपए किलो। ये भी टूटती नहीं है, पक्की बात है, देख लो। ये लो जी, हल्का हाथ मारा, इसे जोर से मारू क्या? ये बजट प्लेटें भी 20 रुपए किलो के हिसाब से जाएंगी? कोई सी भी 1 किलो से लेके 20 किलो तक, कोई सी नहीं। अभी ये कौन से डंबल होते हैं भाई जी? क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये किस प्राइस रहेगा भाई जी डंबल? अच्छा जी, इतना हैवी है, देख लो भैया जी, पक्का टूटेगा तो नहीं? अरे 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 अरे, अरे वाह भाई वाह, इतना हैवी है भैया बैग? अरे वाह भाई वाह, गुस्सा उतारने का चीज़ है। तो ये पंचिंग बैग कितने पड़ेगा भाई जी? स्क्वैट लगाने के लिए ना जी? तो स्क्वैट लगाने, ये किस किस हिसाब से पड़ेगा भाई जी लगभग? स्क्वैट लगाने वाला ये आपको पड़ेगा, ये कितने की रहेगी? चालू है? चालू जी, सेकंड है? सेकंड। ये सेकंड कितनी पड़ेगी चलानी मशीन? 80 रुपए की है। ये देखो स्किपिंग रो मिल जाएगी आपको 80 रुपए का भैया। ये बैंड ही मिल जाएंगे आपको, ये दो डबल वाला है, जितना बाइसेप्स का एक्सरसाइज, ठीक है, और इसमें शोल्डर का भी होता है ऐसे ऊपर। ये तो प्रेस हो गया और ये फ्राई हो गया ना? अच्छा, इंक्लाइन डिक्लाइन सारा आ जाएगा इसमें? अच्छा अच्छा, ये देखो आप ना इसमें थाई की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये देखो हाँ हाँ, साइज आपको 1 किलो से लेके 20 किलो तक का साइज मिल जाएगा। प्लेट को खूब अच्छे से फेंक लो, टूट जाए फट जाए वापस लिया। प्लेट आ जाती है? अच्छा, मेटल प्लेट भी आती है? हाँ जी, क्रोम प्लेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्लेट भी आती है। ये किस प्राइस पड़ेगी आपको? फिर ये लेनी पड़ेगी ना? पड़ेगी सर। ये किस हिसाब से पड़ेंगे? हाँ जी, ये जिग जैग के हिसाब, थोड़ी हैवी भी है। डेट तो कुछ कम भी हो जाएगा, फाइनली बता रहे हो? ये तो भैया ट्विस्टर हो गया ना? हाँ, ये ट्विस्टर हो गया आपका, ये इस तरह ट्विस्ट भी किया जाता है। हाँ जी। ये किस प्राइस पड़ेगा भाई जी? ये 700 रुपए भैया। साइड का बैली वैली खत्म हो जाता है, ठीक है। ये वाले डंबल भैया? ये विनाइल डंबल बोलते हैं सर इन्हें। अच्छा भैया, ये बता दो पहले, ये मैट कितने पड़ेगा भाई जी? ये दीवार में ऐसे लगा के आप कर सकते हैं ये भैया, 800 का बता। ये सिंपल बेंच कितने पड़ेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको एक ऐसी जगह लेके आ गया जहां आपको जिम के सामान मिल जाता है बहुत ही सस्ते रेटों पे। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई, आपने बहुत प्यार दिया। ये नई वीडियो है, 2024 की वीडियो है। देखते हैं 2024 में क्या क्या प्राइस देने वाले डंबल के, प्लेट के और मशीनों के। तो भैया वीडियो बने रहना, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी पड़ेगा, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर गोविंदपुरी का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। पर सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी पे आए, बाइक पे आए, और ये जो है ओखला मोड़ पड़ता है आपको, जो मेरे पीछे दिख रहा है ओखला मोड़ पड़ता है, और पीछे आपको ये बोर्ड भी दिख रहा होगा कालका जी का और नेहरू प्लेस का। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हमारे ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिले मुगदल, भैया मुगदल बोलते हैं ना इसको? हाँ भैया मुगदल बोलते हैं। अच्छा मुगदल, ये देखो भाई साहब, तो भैया ये किस प्राइस रहता है? ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए होता है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज रहता है? चेस्ट बैक शोल्डर। अच्छा, ये किस कलाई के लिए भी होता है? अच्छा, ये कितने किलो का है? ये 5 किलो का है, सबसे हल्का है। 5 किलो सबसे हल्का दे दिया मुझे यार, मैं तो हैवी करूंगा। ये देखो, अरे तेरी, ये कितने किलो हुआ भैया जी? 10 किलो का। अच्छा किस प्राइस रहेगा ये? 120 रुपए किलो। 100, ये 10 किलो यानी कि कितने पड़ा लगभग? 1200 रुपए का पड़ेगा ये। अरे तेरी, चलो भाई ये 1200 पड़ेगा, ये काफी हैवी है। अगर आप बिगिनर हो तो ये 5 किलो का ठीक रहेगा आपके लिए ना भैया जी? हाँ। तो ये है 5 किलो का, ठीक है। ये सिंगल हैंड भी होता है ना भैया जी? सिंगल हैंड भी होता है, डबल हैंड ऐसे। हाँ। अच्छा, ये 5 किलो का मतलब 500 रुपए के आसपास पड़ेगा? 600 रुपए का। तो भैया ये जो है ये पूरी बॉडी को हिला देता है वैसे, ये वो वर्कआउट है, ठीक है, वो है जो पुराने आदमी करते थे। अच्छा पहलवान है तो भाई मुझे तो काफी अच्छा लगा, और भी भैया के पास आइटम है और पता करते हैं और क्या क्या रखते हैं। तो ये इसके साथ ये डंबल किस प्राइस रहेंगे? डंबल ये कैप्टन अमेरिकन कॉपी। अच्छा डंबल, अच्छा ये किस प्राइस रहेंगे भैया लगभग? ये वाले पड़ेंगे 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो, ठीक है भैया। अच्छा पटक के देखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भाई साहब मैंने फेंक दिया, जोर से पटकू। अच्छा ये गिर दिया, चलो भाई देखते हैं। तो ये कितना? 50 रुपए किलो बताया ना आपने, ठीक है भाई। अच्छा प्लेटें क्या रेट के हिसाब से देने भैया जी आप? रबड़ प्लेट है वही। प्लेटें क्या रेट रहेंगी? रबड़ प्लेट 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, ये भी टूटती नहीं है, पक्की बात है, देख लो। ये
ये लो जी, हल्का हाथ मारा, इसे जोर से मारूं क्या? पक्की बात है भाजी, थोड़ा आप आगे हो रोड पे ये। अरे भाई टूटा नहीं है भाई, एक नंबर है। 20 रुपए इनके अंदर आपको इस तरह की चीज मिल जाती है, क्या बोला है। तो चलो और देखते हैं और क्या क्या भैया रखते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, हाँ ये बजट प्लेट भी 20 रुपए किलो के हिसाब से आएंगी। कोई सी भी 1 किलो से लेके 20 किलो तक सारी प्लेट अवेलेबल है, सारी कोई सी ले 20। अभी ये रोड किस हिसाब से रहेंगी? रोड आपकी बढ़ेगी, जिगजैग रोड है, 130 रुपए पर फीट, 130 रुपए पर फीट जिगजैग। और ये जो सीधी ये सीधी जो आती है, ये सीधी वाली 120 रुपए पर फीट है। ये भी 120 रुपए, 120 है जिगजैग, 130 है और 120 है स्ट्रेट। अच्छा, और भैया जी ये बड़ी बड़ी रॉड जो है, हैवी है ये? सारी वही रेट है, सारी रेट। अच्छा ये कौन से डंबल होते हैं भैया जी? वाले एक्सागेन बोलते हैं डंबल, क्या बोलते हैं? एक्सा डंबल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किस प्राइस रहेगा भैया? ये डंबल, ये वाला एक्सागेन का डंबल रहेगा आपका 80 रुपए पर किलो, 80 रुपए पर किलो के हिसाब से रहने वाला है ये वाला डंबल। ऑनलाइन शॉपिंग पे आपका 140-145 रुपए किलो है। अच्छा भैया जी ये तो पुशअप वाला है ना? ये पुशअप स्टैंड, ये किस तरह रहेगा? ये वाला पड़ेगा आपको 200 रुपए का, 200 रुपए का पुशअप स्टैंड के ऊपर खड़े हो जाए। अच्छा नहीं, अच्छा जी इतना हैवी है, देख लो भैया जी पक्का टूटेगा तो नहीं? नहीं यार। अरे 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 वाह भाई वाह, इतना हैवी है भैया, ये टूटने वाला नहीं है। कितना वेट है आपका? मेरा वेट हो यार 80 किलो हो गया लगभग, 80 किलो भी नहीं टूट रहा भाई, बहुत बढ़िया। और देखते हैं और भैया क्या क्या रखते हैं, ये हॉकी भी रखते हो क्या? हाँ। हॉकी किस प्राइस रहेगी? ये वाला 200 रुपए का, 200। अच्छा भैया जैसे हैवी है वो। अच्छा हैवी है, चलो भाई ये हॉकी, ये तो बेस बॉल है हॉकी कोई ना। हाँ भैया जी हॉकी वाला नहीं रखते हम। अच्छा ये जो डंबल अगर कोई तैयार करके ले आपसे, मान लीजिए पाँच लोग का, वो किस प्राइस का पड़ेगा लगभग? इसमें ब्लैक रोड लगा के 10 किलो 200 रुपए की तो प्लेट हो जाएगी। हाँ 300 रुपए की रोड है। अच्छा मान लो जैसे ये ले 150 रुपए का, 150 रुपए का, यानी 300 का दो हो गया और बाकी 20 रुपए प्लेट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। आप यानी 20 रुपए प्लेट के हिसाब से ले सकते हैं और 150 रुपए का भैया ये देंगे आपको, ठीक है। और देखते हैं और भैया क्या क्या रखते हैं भैया? पंचिंग बैग, अरे वाह भाई वाह, गुस्सा उतारने का चीज़ है। तो ये पंचिंग बैग कितने पड़ेगा भैया जी? भाई वैसे मार्केट में आप देखने जाओगे तो 3500-4000 का पड़ता है। अच्छा ये कितने कितने देंगे आप? 1200 रुपए का, मात्र 1200 रुपए का, 4 फीट का 1200 रुपए का। और देखते हैं भैया जी ये तो मेरे ख्याल से स्क्वाट लगाने के लिए नहीं, तो स्क्वाट लगाने ये किस किस हिसाब से पड़ेगा भैया जी? लगभग स्क्वाट लगाने वाला ये आपको पड़ेगा 10000 रुपए, 10000 रुपए का। इसमें सॉलिड चीज है। अच्छा सॉलिड, ये तो वो भी पूछा, हाँ चेने पुलअप के लिए, चलो ठीक है। और क्या क्या रखते हैं भैया जी आप? और बाकी सारा सेकंड सामान भी रखते हैं। सेकंड सामान भी रखते हो? अच्छा ये रनिंग मशीन भी रखते हैं क्या? रनिंग मशीन वगैरह सब कुछ होता है। ये कितने की रहेगी? चालू है? चालू जी, सेकंड है। ये सेकंड कितनी पड़ेगी रनिंग मशीन? 10000 रुपए की। भैया भैया देख रहे हैं एक बार, तो भैया ये आपको मिल जाएगी। वैसे बाजार में कितने की है? ट्रैक मिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रैक मिल बोलते हैं ना इसको? हाँ, हेल्थ लाइन का है रेट इसका। अच्छा करीबन करीब नहीं तो 30-40 हज़ार। अच्छा और ये 30-40 हज़ार के बाजार के अंदर रनिंग मशीन है जो कि आप बेच रहे हैं 10000, कुछ और भी कम हो जाएगा? आएंगे आपकी वीडियो देख के तो जरूर कम करेंगे। अच्छा और इसमें यानी कि चालू हालत में देंगे ना आप? बिल्कुल चालू करके देंगे, 6 महीने की गारंटी भी देंगे। चलो भाई 6 महीने की गारंटी भी। भैया बेल्ट भी रखते हैं ये इस तरह की? भाई बेल्ट की नहीं रहेगी आपके? ये वाली बेल्ट है 250 रुपये की, 250 रुपए की। तो लोअर बैक के लिए ना भैया जी? हाँ वो जो हैवी वेट मार। अच्छा स्किपिंग रोप कितनी पड़ेगी भैया जी? 80 रुपए की, 80 रुपए की है। ये देखो स्किपिंग रोप मिल जाएगी आपको 80 रुपए की, और मीटर वाली लोगे तो 100 रुपए की। अच्छा कौन सी? मीटर वाली। मीटर भी है इसमें, यानी कि आप काउंट कितना आप कर चुके हैं? वाह जी वाह, चलो और देखते हैं और क्या क्या भैया के पास है। रजिस्टर बैंड। अच्छा ये रजिस्टर बैंड ये कितने पड़ेगा भैया जी? 150 रुपए, 150 रुपए का। भैया ये बैंड ही मिल जाएंगे आपको, ये दो डबल वाला है। अच्छा एक्सरसाइज करके दिखाएंगे ना भैया जी थोड़ा सा? ये देखते हैं, ये तो हो गया बाइसेप्स का एक्सरसाइज, ठीक है। और इसमें शोल्डर का भी होता है, ऐसे ऊपर करके, हाँ चेस्ट हो गया पीछे लगा के आप चेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज होती है। हाँ ये इस तरह का, ये तो प्रेस हो गया और ये फ्राई हो गया ना, चलो ठीक है भाई। ये कितने बता रहे हो आप? ये 150 रुपए का, चलो बहुत बढ़िया भाई। और क्या रखते हैं? अच्छा ये बाउंसर डंबल ये वाला अपने चेक तो किया था बाउंसर? नहीं ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, बाउंसर है ये। बाउंसर है ये कितने पड़ेगा? ये वाला पड़ेगा 90 रुपए किलो। 90? ये कितने रुपए किलो बताया आपने? 50 रुपए। इसमें भी क्या फर्क है भाई जी? ये कोटेड होता है, इसके अंदर लोहा होता है। अच्छा ये 90 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है।
चलो ठीक है। इस तरह की भैया की आइटम है जी। आपका ना क्या नाम रहेगा, शुभ नाम क्या रहेगा? पवन। पवन भाई रहेंगे, ठीक है। और आपका एड्रेस वैड्रेस कुछ? एड्रेस लाल कुआ ओखला मोड एमबी रोड मैरोली बदरपुर वाला। चलो ठीक है। और कॉर्नर की शॉप है भैया की, ठीक है, आप आ सकते हैं। और काफ़ी सालों से यही काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा लगा भैया जी आपसे मिलके, थैंक यू। और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को। भैया ये बेंच कितने पड़ेगा? बेंच सस्ती है तो ये बेंच पता करते हैं। अच्छा इंक्लाइन डिक्लाइन सारा आ जाएगा ना इसमें? चारों सेट हैं, होल बने पड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रोड लगानी है आपको। हाँ ये आ जाएगा, वही सेट। ये इंक्लाइन डिक्लाइन सारा आ जाएगा इसमें ना? ये कितने पड़ेगा? ये आपको 3000 रुपए का पड़ेगा। मात्र 3000 का आपको इस तरह बेंच मिल जाएगा जिसमें आपको इंक्लाइन डिक्लाइन और यानी फ्लैट फ्लैट भी हो जाएगा। और आपको बार बार जो पुशअप होता है वो भी आप कर सकते हैं ना भैया जी? टाइट करने। और अब इससे नीचे आप ये भी कर सकते हैं ना? अच्छा ये देखो आप ना इसमें थाई की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये देखो जो आप 20 रुपए किलो वाला वेट लोगे, हाँ हाँ वही प्लेट इसमें लग जाएगी। प्लेटें नीचे लगा के आप इसमें थाई की भी वर्कआउट आप कर सकते हैं इस तरह, ठीक है ना? ये 3000 के अंदर इतनी सारी चीजें दे देंगे आप। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया। एक बार दोबारा अपना एड्रेस बताना कहाँ पड़ेगा? लाल कुआं ओखला मोड मैरोली बदरपुर रोड वाला। अच्छा तो कॉर्नर की शॉप है आपके ना? कॉर्नर की शॉप है भैया। अच्छा लगा भैया से मिलके, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट में। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ पता करते हैं क्या क्या प्राइस में हमें आइटमें देखने को मिलती है। जैसे आपको बाहर दिख रहा होगा ये बेंच भी भैया यहाँ बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ काफ़ी आइटमें मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ आपको पंचिंग बैग मिल जाएगा, ठीक है, डंबल मिल जाएंगे। तो भैया पता करते हैं, भैया जी सबसे पहले तो माइक लगा लें ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ आ सके। लाओ मैं लगा देता हूँ। तो भैया जी आपके यहाँ प्लेटें किस प्राइस से शुरुआत होती हैं लगभग? प्लेट सर अगर रबड़ वाली लेते हो तो आपकी 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। 20 रुपये किलो के हिसाब से? हाँ जी, रबड़ प्लेट अपने पास ये वाली होती है। हाँ और इसमें साइज आपको 1 किलो से लेके 20 किलो तक का साइज मिल जाएगा। प्लेट को खूब अच्छे से फेंक लो, टूट जाए फट जाए वापस लिया। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जैसे इसके अलावा और दूसरी प्लेट भी आती है? इसके अलावा फिर एक अपनी ये मेटल प्लेट आ जाती है। अच्छा मेटल प्लेट भी आती है? हाँ जी क्रोम प्लेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्लेट भी आती है। ये किस प्राइस पड़ेगी? ये आपकी 100 रुपये के जी के हिसाब से, ये 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। और देखते हैं। अच्छा भैया जैसे 20 रुपए किलो के हिसाब से डंबल तैयार हो जाएंगे नहीं? हाँ फिर आपको फिर ये लेनी पड़ेगी ना? लेनी पड़ेगी सर। ये किस हिसाब से पड़ेंगे? इसमें जैसे सर आपका ये 300 रुपए का पेयर है। हाँ जी हाँ जी, रोड है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, ये 300 का पेयर है। हाँ एक ये वाला आपका स्टार नट में। हाँ जी बढ़िया जी चीज होती है। अच्छा स्टार नट में? हाँ जी। ये कितना पड़ेगा? ये वाला आपका पेयर पड़ जाएगा 650 रुपए का। 650 रुपए का? हाँ जी सर। और ये वाला एक ये निकल में है। हाँ जी 14 इंची रोड है। हाँ जी आपका 400 रुपए का। 400 रुपए का? हाँ जी। और ये वाला? ये वाला आपका 350 का पेयर है। 350 रुपए? हाँ जी। ये आपका 12 इंची में है। हाँ ये आपका 200 रुपए का पेयर है। 200 रुपए का? चलो और देखते हैं। और भैया क्या क्या रखते हैं? ये रॉड जो है ये किस हिसाब से रहेगी? आपकी 150 रुपए पर फिट का हिसाब है। पर फिट का हिसाब 150 रुपए के हिसाब से? 150 रुपए। मान लो जैसे ये है। हाँ जी ये जिग जैग के हिसाब ये थोड़ी हैवी भी है। हाँ 150 कुछ कम भी हो जाएगा फाइनली बता रहे हो? जो आपकी वीडियो देख कर आएगा उसके लिए और कम प्राइस है। चलो और कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे 150 रुपए बताया। और ये चाहे कोई सी भी लो, चाहे छोटी लो, चाहे बड़ी लो, है बड़ी लो स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये तो भैया ट्विस्टर हो गया ना? हाँ ये ट्विस्टर हो गया आपका। नीचे लगा दे? हाँ नीचे रखो, इसे दीवार में फिक्स करवाना पड़ता है। दीवार में फिट करके ना? हाँ जी। आप इसमें जैसे भैया को मैं पकड़ के ये इस तरह ट्विस्ट भी किया जाता है। हाँ जी। ये किस पे पड़ेगा भाई जी? ये 700 रुपए। भैया साइड का वैली खत्म हो जाता है, ठीक है। ये 700 का भैया बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। और देखते हैं भैया काफी चीजें यार यूनिक जी। रजिस्टर बैंड कितने का पड़ेगा? ये रजिस्टर बैंड है, ये ट्रिपल लेयर में है, 3 लेयर का। ये 3 लेयर के अंदर है? हाँ जी। ये किस प्राइस का पड़ेगा? ये आपका 250 रुपए का। 250 रुपए का 3 लेयर का? हाँ जी। ये देखते, अरे वाह भाई बेस्ट क्वालिटी। अरे वाह वाह भाई, ये 250 रुपए बता रहे भैया। इसमें काफी एक्सेस रहती है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि इसमें काफी एक्सेस आप कर सकते हैं। और देखते हैं और भैया क्या क्या रखते हैं भैया, ठीक है। ट्विस्टर एक अपना प्लास्टिक में, ये वाला ट्विस्टर? हाँ जी। अच्छा ये देखते हैं, ये किस प्राइस पड़ेगा जी? ये आपका 350 रुपए का। 350 का 5 in 1 यानी 5 चीजें कर सकते हैं। हाँ क्या क्या होगा इसमें? ये इसमें आपका ट्विस्ट है, पावर मैट, मैजिक। अरे काफी चीजें हैं इसमें, यानी कि ठीक है। कितने बताया आपने? 350। 350 रुपए। और देखते हैं भैया ये जो पुशअप करने वाला, ये पुशअप स्टैंड ये आपका 200 रुपए का है सर। 200 रुपए का। और देखते हैं भैया ये जो ये वाले डंबल है ये किस हिसाब से पड़ेगा? क्रोम डंबल है। हाँ। ये 100 रुपए के जी के हिसाब से है। 100 रुपए किलो के हिसाब से, जो मेरे हाथ में 2 किलो का है। और बड़े साइज भी आपको यहाँ पे साइज सारा मिल जाते हैं, साइज मिल जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये वाले डंबल भैया, ये विनाइल डंबल बोलते हैं सर इन्हें। अच्छा ये 130 रुपए के जी के हिसाब से है। 130 रुपए मेटल होता है, खाली विनाइल ये प्लास्टिक इस पे कवर होता है। और देखते हैं भैया ये तो मेरे ख्याल से वो है, ये रेजिस्टेंस बैंड है अपना, पट्टी वाला जो आता है गोल वाला। अच्छा ये कितने पड़ेगा? ये आपका 350 रुपए का है। 350 रुपए का। चलो और देखते हैं, ये तो भैया वो है ना हैंड ग्रिपर। हैंड ग्रिपर ये कितने पड़ेगा? ये आपका 80 रुपए का पेयर है। ये 80 रुपए पेयर है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और भैया ये ब्रिस्ट पट्टी है जो अपना वेट लिफ्टिंग के लिए जो पट्टी आधे बांध के ताकि वेट उठ सके, ये कितने पड़ेगा?
ये आपका 220 रुपए का। ये भी तो वही चीज है ना, ये वरिष्ठ पट्टी है जो खाली कलाई को सपोर्ट करती है। 180 रुपए की, 180 रुपए की। चलो ठीक है, और देखते हैं। अच्छा भैया, ये तो वो है पुशअप लगा, पुलअप लगाने का नहीं? ये पुलअप के लिए होगा। अरे भाई ये बता दो पहले, ये मैट कितने पड़ेगा भाई जी? ये वाला आपका 800 रुपए का है। देख ले, ये मैट नहीं, मैट नहीं, मैट कितने, मैट कितने पड़ेगा? मैट 300 रुपए। मैट 300 रुपए। इसमें एमएमएम का हिसाब होता है ना? 6 एमएम में, 6 एमएम में। और ये 800 का पड़ेगा ना? ये दीवार में ऐसे लगा के आप कर सकते हैं। ये भैया 800 का बता। और ये सिंपल बेंच कितने पड़ेगा भाई जी? ये वाला 1200। 1200 रुपए का। और भैया ये पंचिंग बैग? पंचिंग बैग 1200 रुपए। ये पंचिंग बैग 1200 रुपए पड़ेगा। ठीक है, ये भी चीज है, बढ़िया चीज है। अच्छा बेल्ट कितनी पड़ेगी? बेल्ट आपकी 300 की भी है, 350 की भी है, 300 की भी है, 350। चलो और देखते हैं। और भैया क्या क्या? हेक्सा डंबल, रबर डंबल। अरे वाह, ये डंबल कितने पड़ेंगे भाई जी? ये हेक्सा डंबल है, ये आपका 80 रुपए केजी के हिसाब से। 80 रुपए केजी के हिसाब से, चलो ठीक है। और ये बाउंसर डंबल? हाँ ये रबर डंबल है, ये वाला आपका 50 रुपए केजी के हिसाब से। बाउंसर भी आता ना? हाँ इसमें बाउंसर आता है, लेकिन अभी है नहीं आपके। ये 50 रुपए किलो के हिसाब से बता रहे हैं भैया। ये बेंच कितने पड़ेगा? ये बेंच आपकी 3500 रुपए, एक लाइन लेग लाइन स्ट्रेट तीनों बेंच हो जाएगी, लेग कल लेग एक्सटेंड। अरे लेग की भी एक्सरसाइज हो जाएंगी? हाँ जी। चलो भाई लेग की भी एक्सरसाइज इसमें हो जाएंगी, इस तरह की इंक्लाइन डिक्लाइन आप इसमें बेंच हो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सी भैया आइटम रखते हैं। ठीक है, तो भैया आपका शुभ नाम क्या रहेगा? सन्नी नाम है मेरा। सन्नी? हाँ जी। तो भैया सन्नी भैया है जो कि भैया बैठे गाँव, आप थोड़ा बताएंगे। ये अपना लाल कुआ ओखला मोड है। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में। ये बिल्कुल कॉर्नर में भैया की शॉप है। सामने आओगे तो मेरी दुकान दिखाई। ये बोर्ड लगा रखा है ना? हाँ जी। ये बोर्ड के बिल्कुल सामने भैया की शॉप।